नमस्कार नागपुर हलचल में आपका स्वागत है तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर भारत रत्न डॉक्टर साहेब अम्बेडकर की एक जयंती के शुभ अवसर पर यूनियन बैंक एस सी एस टी एम्प्लॉज एसोसिएशन विदर्भ रीजन ने संविधान चौक पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपक्षेत्र प्रमुख अमरनाथ गुप्ता द्वारा माल्यार्पण किया गया इस अवसर पर केक काटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ उपक्षेत्र प्रमुख ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है धर्मपेट शाखा के शाखा प्रमुख ने डॉक्टर बाबा साहब को एक महान दिग्गज नेता बताया इस अवसर पर मिलिंद वासनिक और राजेश मिश्राम ने भी अपने अपने विचार रखे आभार प्रदर्शन एस सी एसोसिएशन प्रमुख परचाके ने किया इस अवसर पर यूनियन बैंक के भरत मेश्राम एवं क्षेत्रीय कार्यालय व शाखा के स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित थे कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में निलीमर आमटे के सुषमा गजबीय केशव परचा के मिलिंद वासनिक राजेश मिश्रम मंगेश श्यामकुवर विकेत भांबुलकर पीयूष मिश्रम शोभित घुरमाड़े वसंत गिडम मनीष कुवे आदि ने प्रयास किए शहर में रमजान के महीने में कायनात और इनायत नामक दो बहनों ने रोज़ा रखा यह दोनों नागपुर के कसाबपुरा निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन कुरैशी की बेटियां हैं दोनों बहनों के रोज़ा रखने पर समाज बंधुओं सहित सामाजिक कार्यकर्ता अतिक कुरैशी एवं परिजनों ने दोनों को बधाइयां दी और दुआओं से नवाजा अप्रैल महीना में गर्मी में कहर बरपाना शुरू कर दिया है सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक सूरज की मानो आग बनकर गिर रही है गर्म हवा के थपेड़ों से आम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है दोपहर में सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही पैदल चलते नजर आ रहे हैं नागपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इस बीच चांदा विदर्भ क्षेत्र का सबसे गर्म शहर बना हुआ है गुरुवार को यह अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया यवतमाल वाशिम में भी अधिकतम तिरयालीस डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अमरावती का अधिक तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो अकोला के मुकाबले थोड़ा कम रहा इसी तरह वर्धा में अधिकतम तापमान तिरयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस बुल्ढाना में अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर के अनुसार आने वाले दिनों में लू का प्रकोप जारी रहेगा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग सभी ड्राइवर कंडक्टर और अन्य कर्मचारी गुरुवार तक अपनी ड्यूटी पर दोबारा शामिल हो चुके हैं वे पिछले छह महीनों से हड़ताल पर थे राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा की गई अपील के बाद हाल ही में एमएसआर टी सी के अधिकांश कर्मचारियों के ड्यूटी पर वापस आने के साथ ही नागपुर में एसटी बसों का संचालन दोबारा शुरू हो गया है एमएसआर टी सी के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आएंगे विभिन्न मार्गों पर बसें शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है दिवाली के बाद से बस सेवाएं बंद होने के कारण यात्रियों विशेषकर छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था एमएसआरटीसी टी सी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिलाने की अपनी मुख्य मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी हड़ताल पर थे हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था लेकिन यह भी स्पष्ट कहा गया कि कर्मचारियों की मुख्य मांग को पूरा करना संभव नहीं है राज्य के परिवहन मंत्री एडवोकेट अनिल परब ने आश्वासन दिया कि तमाम डिपो के प्रबंधन हड़ताली कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिसके पश्चात बड़ी संख्या में कर्मचारी वापस ड्यूटी पर लौट चुके हैं बिजली से चलने वाले दुपहिया वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं की जांच के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नियम तोड़ने वाली ईवी कंपनियों पर आवश्यक निर्देश जारी करेगी गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाल ही में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के कई आपदाएं सामने आए हैं इन घटनाओं का विश्लेषण करने और उपचारात्मक कदमों पर सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया है रिपोर्ट के आधार पर हम चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी करेंगे इस आशय के विचार गडकरी ने व्यक्त किए उन्होंने कहा हम जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए गुणवत्ता केंद्रित दिशा निर्देश जारी करेंगे यदि कोई कंपनी गाइडलाइन का पालन करने में लापरवाह पाई जाती है तो ऐसी कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही सभी ऑटोमोबाइल को वापस लिया जाएगा केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में तमाम कंपनियां सभी समस्याग्रस्त वाहनों को वापस लाने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं शिवसेना सांसद व प्रवक्ता संजय राउत के शहर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया उन्होंने दक्षिण नागपुर मालगी नगर गजानन मंदिर चौक पर आयोजित विभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा शासित मनपा के घोटाले को गिनाया स्टेशनरी कचरा घोटाले और ओसीडब्ल्यू पानी घोटाले को लेकर सभी महापौर को आड़े हाथ लिया उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को मुंबई की चकाचौन से प्यार हो गया है इसलिए विरोधी पक्ष नेता अक्सर मुंबई में ही रहते हैं लेकिन शिवसेना को नागपुर की मिट्टी से प्यार है इसलिए यह बार बार आ रहे हैं उन्होंने परिसर के अनधिकृत लेआउट में लोगों को आरएल डिमांड नहीं मिलने के कारण वर्षों से अविकसित क्षेत्रों का जिम्मेदार भी भाजपा को बताया उन्होंने विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी को जनता की समस्याओं को लेकर मुंबई आने को कहा जहाँ मुख्यमंत्री के साथ मिलकर समस्या का निदान करने की बात कही इस दौरान दुष्यंत चतुर्वेदी प्रमोद मानमोडे नितिन तिवारी प्रवीण बर्डे आशीष मनपिया दीपक कापसे सहित सभी पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे इससे पूर्व एयरपोर्ट पर चर्चा के दौरान सांसद संजय राउत ने कहा कि नागपुर हमारी उपराजधानी है यहाँ के लोगों का प्रेम हम पर बढ़ रहा है शिवसेना सांसद व प्रवक्ता संजय राउत के बार बार आने से नागपुर से उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी यह कहना है पूर्व सीएम व विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने राउत के बार बार नागपुर के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में यह तंज कसा उन्होंने कहा कि नागपुर का वातावरण और यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही बात है जिससे आप बार बार आने से थोड़ी उन्हें सदबुद्धि आएगी अचलपुर दंगा के बाद भाजपा शहर अध्यक्ष को पुलिस ने उठा लिया इस संबंध में उन्होंने कहा कि अमरावती जिले में ब्रिटिश के जैसा पुलिस राज है विशेषकर सरकार के मंत्री की कार्यप्रणाली के चलते ही वहाँ की स्थिति अधिक बिगड़ रही है दो समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं इसका एकमात्र कारण पुलिस और सरकार की प्रतिक्रिया है फडणवीस ने कहा कि हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है अमरावती सिटी व जिले में इसी के कारण तनाव बढ़ रहा है पुलिस को जाति धर्म न देखते हुए काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि भाजपा के पोल खोल आंदोलन में तोड़फोड़ हुई वहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई हम रोज पोल खोल कर रहे हैं जिसके चलते कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है शहर की सड़कें अवैध कब्जे की शिकार हो गई है अर्थव्यवस्था का आलम ऐसा है कि जिसको भी जहाँ जगह मिलती है वह अपनी गाड़ी पार्किंग कर चलता बनता है ये गाड़ियाँ सड़क के दोनों ओर लगाई जाने से सड़क संकरी हो जाती है जिससे यातायात प्रभावित होता है कई बार तो दुर्घटनाएं भी होती हैं स्थानीय दुकानदारों की माने तो इस मसले पर संबंधित विभाग कोई सख्त एक्शन नहीं लेता जिसके कारण अर्थव्यवस्था का यह आलम अब स्थायी बन गया है शहर के गांधीबाग इलाके के साथ सीताबर्डी कॉटन मार्केट नंगापुतला कई ऐसे इलाके हैं जहां कुछ लोगों द्वारा सड़क के दोनों तरफ अवैध पार्किंग स्थल बना लिए गए हैं ये लोगों से गाड़ियां खड़ा करने के एवज में पैसे तक लेते हैं ये लोग मनपा में पैसे जमा करने का दावा भी करते हैं लेकिन सच्चाई का किसी को पता नहीं लोग झंझट से बचने के लिए पार्किंग के पैसे भी दे देते हैं जो नहीं देते वह बहस करते हैं उनकी गाड़ियों को संबंधित जगहों पर पार्क नहीं होने दिया जाता है ये लोग भी अपनी गाड़ियों को जहाँ जगह मिलती है वही लगा देते हैं स्थानीय लोगों के अनुसार कई सालों से यह समस्या चली आ रही है लेकिन इसका स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है शहर के और चार थानों में जल्द ही महिला सौंदर्य कक्ष बनाया जाने वाला है यहाँ पर थाने की महिला कर्मचारी और कोई भी आरोपी महिला को उसके छोटे बच्चे के साथ रखा जा सकेगा बजाज नगर थाने में रोटरी क्लब और सामाजिक संगठन के सहयोग से पहला महिला सौंदर्य कक्ष बनाया गया यहाँ पर महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चे के साथ ड्यूटी के समय में कुछ पल बच्चों के साथ आराम कर सकती है इतना ही नहीं इस कक्ष में किसी महिला आरोपी के साथ अगर छोटा बच्चा है तो उसे भी यहाँ पर रखने की व्यवस्था होगी महिला आरोपी के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए एबीसीडी काउंटिंग बनाई गई है जिससे उनका समय व्यतीत हो सके गुरुवार को बजाज नगर थाने में पहला महिला सौंदर्य कक्ष का उद्घाटन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के हाथों किया गया पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस तरह के सौंदर्य कक्ष की जरूरत ग्रामीण क्षेत्र के थानों में भी है वहां पर भी इस तरह के कक्ष खुले जाने की जरूरत महसूस होने लगी है इस कक्ष के स्थापित हो जाने से पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ ड्यूटी के समय रह सकेंगी यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2922 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर तीन लाख अंठावन हजार रूपए का जुर्माना वसूला इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत चार मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे आठ हजार का जुर्माना वसूला गया इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत तीन मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे तीन हजार का जुर्माना वसूला गया उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। शहर का इतवारी सराफा बाजार विदर्भ के मुख्य सराफा बाजारों में से एक है अति मूल्यवान धातुओं के इस बाजार पर असामाजिक तत्वों की हमेशा नजर बनी रहती है हर किसी को यह मालूम है कि सोना चांदी की रीसेल में अच्छी रकम मिलती है इसलिए सराफा बाजार में दुकानों में चोरी चेन स्नैचिंग आदि घटनाएं होती रहती है इसी वजह से सराफा व्यापारियों में असुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है इन्हीं सब कारणों के चलते प्रशासन ने सराफा बाजार को अति संवेदनशील बाजार माना है नागपुर सराफा एसोसिएशन के सचिव राजेश रोकड़े ने बताया कि सराफा बाजार के सुरक्षात्मक उपाय के लिए प्रशासन की ओर से मदद के तौर पर संस्था ने खुद के खर्चे पर कुछ सीसीटीवी कैमरे बाजार के मुख्य मार्ग पर लगाए गए हैं लेकिन एक व्यापक क्षेत्र में फैले सराफा बाजार के लिए यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त नहीं है नागपुर सराफा एसोसिएशन ने मध्य नागपुर के विधायक एवं भाजपा नेता विकास कुंभारे से मांग की है कि सराफा बाजार की सुरक्षा के लिए इस विषय पर ध्यान देकर सराफा व्यापारियों की इस मांग को शासन प्रशासन तक पहुँचाकर सहयोग दें जिससे यहाँ सुरक्षा का वातावरण निर्माण हो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भेजे एक पत्र में विभिन्न बैंकों के खिलाफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित कई विदेशी वित्त पोषित ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर एक अपवित्र कार्टेल बनाने का गंभीर एवं सनसनीखेज आरोप लगाया है जिससे भर के व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है कैट ने कहा है कि देश के विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट बैंक अमेजन एवं फ्लिपकार्ट सहित अन्य अनेक ई कॉमर्स पोर्टल पर सामान खरीदने पर भुगतान हेतु क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं बैंक 10 प्रतिशत कैशबैक तथा अन्य सुविधाएं देता है जो ऑफलाइन बाजार से माल खरीदने पर ग्राहकों को नहीं मिलता जिससे एक असमान व्यापारिक वातावरण का निर्माण होता है और यह बैंकों और ई कॉमर्स कंपनियों का मिला और पेचीदा खेल है कैट ने इसे बैंकों की एक अनुचित प्रथा के कारण गंभीर बैंकिंग अनियमितताए और समानता के अधिकार एफ नीति और प्रतिस्पर्धा कानून का घोर उल्लंघन करार दिया कैट ने देश के ऑफलाइन व्यापार को बर्बाद कर रहे इस सबसे गंभीर मामले की तत्काल समयबद्ध जांच की मांग की है कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भर्तिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स दिग्गजों के साथ बैंकों की मिलीभगत को देश के बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी चूक बताया है स्थानीय वीएमवी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना दस्ते द्वारा नागपुर शहर के पुतलों के संवर्धन एवं स्वच्छता उपक्रम का आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने शतरंजीपुरा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस साथ ही मस्का साथ इतवारी स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतलों की सफाई की इन पुतलों के स्वच्छता की जिम्मेदारी राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा महाविद्यालय को सौंपी गई है हर सप्ताह के बुधवार को यह उपक्रम चलाया जाएगा स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अविनाश औचट प्रोफेसर विलास कामले एवं डॉक्टर अरविंद युगंधर के मार्गदर्शन में इन पुतलों की स्वच्छता कर उनका संवर्धन करने का संकल्प लिया आईआईएम नागपुर का दीक्षांत समारोह 24 अप्रैल 2022 को सुबह पौने ग्यारह बजे आयोजित किया जाएगा और आईआईएम नागपुर के नए कैंपस का उद्घाटन 8 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा यह जानकारी आईआईएम नागपुर के संचालक डॉक्टर भीमराय मैत्री ने दी इस अवसर पर दृश्य श्रव्य प्रणाली के माध्यम से आई के अध्यक्ष सी पी मौजूद थे गुरुनानी ने बताया कि पूर्व में राष्ट्रपति की नागपुर यात्रा 23 अप्रैल को निर्धारित थी लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से यह यात्रा स्थगित कर दी गई अब वे 8 मई 2022 को आई नागपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे नागपुर में आई 2015 से संचालित हो रहा है और पिछले दो साल से कोरोना के कारण दीक्षांत समारोह नहीं हो सका चौबीस अप्रैल को आई के चौथे पांचवे और छठे बैच के दीक्षांत समारोह में कुल चार छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी लॉर्सन एंड टर्बो के सीईओ और प्रबंध निदेशक एस एन सुब्रमण्यम इस अवसर पर मौजूद रहेंगे आई नागपुर के बारे में जानकारी देते हुए निदेशक डॉक्टर भीमराया मैत्री ने कहा कि एक एकड़ क्षेत्र में फैला आई का कैंपस शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कराने वाला देश का पहला संस्थान है शिवसेना पदाधिकारी विनोद कल्याणी ने कहा कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए शिवसेना हिंदुत्व की रक्षा में सक्षम है तथा शिवसेना सभी धर्मों का सम्मान भी करती है नवनीत राणा तथा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं वे अपने विवादित बयानों से राज्य में दंगे भड़काने का कार्य कर रहे हैं कल्याणी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है शिवसेना को कमजोर समझने की गलती किसी ने नहीं करनी चाहिए शिवसेना पहले भी हिंदुत्व की पक्षधर रही है और भविष्य में भी रहेगी दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया छात्राओं को आचार संहिता के संबंध में प्राचार्य ने मार्गदर्शन किया छात्राओं की आचार संहिता नियम तथा शिष्टप्रिय व्यवहार कैसे रहना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी पेशेवर नैतिकता के मापदंडों का पालन करना हमारा वैधानिक कर्तव्य है आर्य समाज के सिद्धांत पर आधारित शांति धैर्य और अनुशासन के साथ स्वस्थ वातावरण का पोषण करना आचार संहिता नीति दस्तावेजों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है मानदंड की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर चेतना पाठक तथा डॉक्टर मीना बालपांडे ने आयोजनों का संचालन किया उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयास किया कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन बबीता थूल तथा प्रोफेसर दिव्या पारेकर ने किया कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्राओं का भी भारी संख्या में योगदान रहा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के उप प्रांतपाल के चुनाव में आरबी के डॉक्टर रीपल राणे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भरत भलगट को 32 वोटों से हराया प्रतिष्ठापूर्ण रहे इस चुनाव में प्रांत के नागपुर अमरावती भंडारा गोंदिया चंद्रपुर गढ़चिरौली वर्धा तथा यवतमाल जिले के मतदाताओं का समावेश था नागपुर स्थित होटल ली मिरेडियन में आयोजित दो दिवसीय प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता प्रांतपाल राजेंद्र सिंह बग्गा ने की संयोजक वरिष्ठ लॉयन विवेक वैद्य थे इस अवसर पर प्रमुख अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन जे पी सिंह थे अधिवेशन के दूसरे दिन प्रांत के तहत सौ से अधिक क्लबों के 360 प्रतिनिधियों ने चुनाव में अपने वोटों का इस्तेमाल किया जिसमें डॉक्टर रिपल राणे को एक वोट प्राप्त हुए जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भरत भलगट को एक वोट मिले इसमें डॉक्टर राणे 32 वोटों की भारी बढ़त से चुने गए दुनिया भर की सर्वोच्च सेवा संगठन के रूप में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल विख्यात है डॉक्टर रानी का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा जिसमें वे उप प्रांतपाल दो साल के लिए रहेंगे और वर्ष 2023-24 का यह एक साल के लिए प्रांतपाल होंगे इस चुनाव में पूर्व प्रांतपाल राजे मुदोजी भोसले डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी, डॉक्टर विनोद अदलखिया शैलेश बागला प्रतिभा अदलखिया संदीप खंडेलवाल ज्ञानेश्वर वंदिले विनोद जैन डॉक्टर विलास मुले डॉक्टर रामदेव सिक्ची का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अमृतलाल नागर सृजनपीठ की ओर से 26, 27 एवं 28 अप्रैल को भव्य वर्धा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में देश भर के साहित्यकार शिरकत करेंगे यह महोत्सव साहित्य में समाज के महानायक पर केंद्रित होगा महोत्सव में हिंदी संस्कृत मराठी उड़िया गुजराती मलयालम और बांग्ला भाषाओं में महानायकों पर लिखे गए उपन्यासों पर विमर्श किया जाएगा हिंदी उपन्यासों में मानस का हंस कृष्ण की आत्मकथा महानायक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तोड़ो कारा तोड़ो रंगराची नीले घोड़े का सफर अनुत्तर योगी झांसी की रानी भारती का सपूत महाभिषक कालिदास आदि उपन्यासों पर चर्चा होगी संस्कृत में जानकी जीवनम मराठी भाषा में छावा महानायक राउ और दुर्दम्य ओडिया भाषा में द्रौपदी गुजराती भाषा में महामानव सरदार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मलयालम भाषा में आदिशंकरम और नारायण गुरु की यात्रा तथा बांग्ला भाषा में शाहजादा दाराशिखो नामक उपन्यासों पर विमर्श किया जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वर्धा साहित्य महोत्सव के संरक्षक प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने इस महोत्सव के आयोजन के बारे में बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और विश्वविद्यालय रजत जयंती वर्ष में भारतीय समाज के महानायकों के जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर लिए गए उपन्यासों पर राष्ट्रीय विमर्श आवश्यक है गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया एवं राधे जी का तुला दान किया गया नित्य पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रात्रि में सुंदरकांड का भी पाठ गुरुदेव त्रिलोकीनाथ पांडे के मुखारविंद से हुआ इसमें प्रमुख श्रोता नंदलाल मिश्रा बिपिन बिहारी मिश्रा विवेक मिश्रा रामानुज मिश्रा हरिहर मिश्रा बालकृष्ण मिश्रा राधाकृष्ण मिश्रा हरिकृष्ण मिश्रा विजय तिवारी रामनरेश तिवारी विकास तिवारी सुनील शर्मा आदि उपस्थित थे शुक्रवार को भगवान कान छेदन का प्रोग्राम एवं रुक्मणी विवाह मनाया जाएगा कथा कल तेईस अप्रैल तक चलेगी समय दोपहर तीन बजे से शाम के छह बजे तक रहेगा राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के चार बजे तक टीकाकरण होने वाला है इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है पहला डोज दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है इसी तरह ग्लोकल मॉल बल्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़ नमस्कार